5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया पटवारी। जमीन दूसरे के नाम दर्ज करने की धमकी देकर मांगी घूस। FIR दर्ज। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर जो कि सतना से आ रही है। लोकायुक्त संगठन रीवा की टीम ने सतना जिले के रामपुर बागेलान तहसील क्षेत्र के पटवारी को रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रीवा स्थित अपने घर पर पकड़े गए पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक सतना जिले की रामपुर बागेलान तहसील अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 17 डेगरहट के पटवारी संतोष कुमार सतनामी को लोकायुक्त टीम ने शुक्रवार की सुबह उसके हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी PK स्कूल के पीछे स्थित निवास HIG 671 में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से रिश्वत के तौर पर लिए गए 5,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई लोकायुक्त DSP राजेश खेड़े के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम ने की। बताया गया कि पटवारी संतोष कुमार सतनामी ने अजय कुमार साहू पिता होरीलाल साहू उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम उमरिया पोस्ट चेरमारी तहसील रामपुर बागेलान को उसके नाम दर्ज जमीन कामता साहू के नाम दर्ज करने की धमकी दी थी। अजय को धमकाकर पटवारी ने भयभीत किया और जमीन के दस्तावेजों में उसका नाम रखने के एवज में 15,000 रुपए की मांग की। अजय ने इसकी शिकायत लोकायुक्त रीवा के SP गोपाल धाकड़ से की थी। शिकायत की तस्दीक के दौरान अजय साहू ने पटवारी से लेन देन की तारीख तय की और पटवारी से किश्तों में पैसे लेने का आग्रह किया। पटवारी ने उसे रुपए लेकर शुक्रवार की सुबह रीवा में PK स्कूल के पीछे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित अपने निवास HIG 671 में बुलाया। पहली किश्त के 5,000 रुपए देने अजय शुक्रवार की सुबह पटवारी संतोष कुमार सतनामी के पास पहुंचा। जैसे ही पटवारी ने रकम ली, लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर उसे दबोच लिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।